बाइबल पढ़े आं सैमान इज्राइल बरक बरक बांगिया इज्राइलाइट जिहुदी बरक बरक बांगिया बड़ बस माइनोरिटी बरक बरक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन कोलोई और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल यानी कि इंडिजिनियस लोगों की दिन है। आज देश की अलग अलग राज्यों की साथ त्रिपुरा में भी जो त्रिपुरासा लोग रहते हैं जिसको इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, वो आज के दिन में हर तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, रैली करते हैं, सेमिनार करते हैं और हॉल प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। तो आज के दिन में यहाँ की त्रिपुरासा लोग जो जिसको इंडिजिनियस लोग कहते हैं, पीपल कहते हैं, कैसे है, उन लोगों के दिल की बात क्या है, कौन सी मुद्दे को लेके आज इंडिजिनियस डे मना रही है, ये सब जानने के लिए आज हम त्रिपुरा की अलग अलग प्रोग्राम में जा रही है। इस वक्त मैं राजधानी अगरतला की दशरथ भवन में हो, जहाँ मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी सिविल सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किए हुए हैं। इस समय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम हो रही है उसके बाहर मेरे साथ कुछ युवा इंडिजिनियस युवा यानी कि त्रिपुरासा लोग मेरे साथ है। आइए उन लोगों के साथ बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन में जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जो मना रहा है, आज के दिन में कौन सी मुद्दे को लेके वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्या है इंडिजिनियस पीपल के दिल की बात, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी भारत में आपको स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम नेल्सन देवबर्मा, मैं विश्रामगंज से हूँ। आज तो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे यानी कि त्रिपुरासा हो इंडिजिनियस पीपल लोगों की दिन है, तो आज के दिन में त्रिपुरा में जो त्रिपुरासा है जिसको इंडिजिनियस पीपल कहते हैं, कैसा है, कैसे रहते हैं और कौन सी मुद्दे को लेके इंडिजिनियस डे को मना रहे हैं? हम त्रिपुरा के रहने वाले इंडिजिनियस हैं और आप देख सकते हो त्रिपुरा में भी अभी भी बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है। पीने के लिए अच्छे पानी भी नहीं है, पीने के लिए अच्छे पानी भी नहीं है। बहुत सारा हिली एरिया है जो छोटा छोटा बोरोक होल करके वहाँ के पानी पीता है, उस पानी से बहुत सारा बीमारी हो सकता है, जो बहुत सारे इंडिजिनस लोग एवरी ईयर मारा जाता है इतना, क्योंकि ठीक से मेडिसिन नहीं होता वहाँ पे, उससे बोरोक डायरिया, डायरिया जैसा बीमार आप सोच नहीं सकोगे, डायरिया जैसा सिंपल बीमार को त्रिपुरा में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। अगर ये बाहर होता तो दिल्ली मुंबई में होता तो ये तो एक सिंपल डिजीज़ है, डायरिया जैसा डिजीज़ है तो सिंपल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ त्रिपुरा में अभी भी इंडिजिनस लोगों की बहुत सारा मांग बाकी है जो उसे फुलफिल करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ हमारा लैंग्वेज को लेकर, हमारी भाषा को लेकर, सेम मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ अगर रोमन स्क्रिप्ट में किया जाए तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, सभी के लिए नहीं बल्कि कॉलेज हो या फिर स्कूल स्टूडेंट हो उन लोगों के लिए भी, पढ़ाई के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ। और आज जो हम ये सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड इंडिजिनस डे, हम सिर्फ आज ये एंजॉय करने के लिए नहीं है, आज मैं यहाँ पर ड्रेस पहन के आया हूँ ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, कुछ मांग है दिल के अंदर मेरा, बहुत सारा मांग है। ऐसे स्टूडेंट मैं ऐसा फील करता हूँ हमें दबाया जाता है हर जगह, हाँ आप जब ऊंचाई में जाते हो ना तब आपको नीचे किया जाता है, आपके ट्रेडिशनल ड्रेस को इतना ऊपर दिखाया नहीं जाता। मैं जब दिल्ली पे गया था वहाँ का लोकल लोग हमें पूछा है आप कहाँ से हो, आपका ड्रेस इतना सारा खूबसूरत है, अगर उनकी नज़रों में हमारा ये ट्रेडिशनल ड्रेस इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, हम इंडिजिनस लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस इतना खूबसूरत है, अगर इतना प्यार करता है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब सरकार भी हमें देखिए, क्योंकि अगर ऐसा हमें नहीं दिखा जाएगा तो हम एक दिन खो जाएंगे अपने ही त्रिपुरा में, हम खो जाएंगे अगर हमारा इस ट्रेडिशन लैंग्वेज को
ट्रेडिशन, फूड को, ट्रेडिशन ड्रेस को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ एक दिन खो जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाहर जाके दिखाने से कुछ नहीं होगा, आप आइए त्रिपुरा के अंदर आके देखिए यहाँ का लोग कैसे रहते हैं। हम इंडिजिनस लोग दिल का बहुत ही सच्चा होता है और बहुत ही प्यार भरा स्वभाव होता है। ऐसा नहीं कि आप आए हम आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम सभी को प्यार करते हैं, ऐसे इंडियन हम भी भारतवासी हैं, हम भी त्रिपुरा का रहने वाला है और हम भी अपने आप को भारतवासी मानते हैं। तो ऐसे इंडियन आप सब हमें साथ दीजिए और प्यार कीजिए। आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से इंडिजिनस लोगों को, यहाँ के त्रिपुरा से लोगों को जो सुविधाएं देना चाहिए थे वो दे रहे हैं सरकार की तरफ से? मैं दिल से कहना चाहता हूँ, जितना देना चाहिए था उतना बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, जितना देना चाहिए था उससे बहुत कम। क्यों हमारे साथ ऐसा बिहेव होता है, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्यों मैं डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, एक इंसान का दिल का दुख, एक इंसान का दिल का दुख एक उसका रिश्तेदारी समझ सकता है, नहीं वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग समझ सकेंगे। मेरा पेट में मैं कितना भूखा हूँ मेरा पेरेंट्स ही समझ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके मेरा भूखा को समझ सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखते हुए भी क्यों अनदेखा करते हो, देखते हुए भी क्यों अनदेखा करते हो? आपको इतना भी दर्द नहीं होता इंडिजिनस पीपल के लिए जो इतना सारा लोग गर्मी में मारे जाते हैं, डेंगू जैसा बीमारी से भी मारे जाते हैं, हेल्थ कैंप भी ठीक से नहीं होता। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, आप देखिए, आके देखिए त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग कैसे रहते हैं। और मैं सिर्फ सरकार को नहीं पूरा भारतवासी को कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा में आके देखिए आप समझे त्रिपुरा का लोग कैसे रहते हैं। अच्छा, और एक बात, जैसे कि त्रिपुरा में 19 ट्राइब इंडिजिनस पीपल्स हैं, तो कुछ कुछ ट्राइब अभी खो चुके हैं और कुछ कुछ ट्राइब खोने वाला है, वो किस लिए आपको क्या लगता है? खो चुके हैं और खोने वाला है किसके लिए, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों को लेकर इतना रिसर्च नहीं होता है ना, उन लोगों को लेकर इतना रिसर्च नहीं होता है, उनका ट्रेडिशन को लेकर इतना रिसर्च नहीं होता है, उनका क्या ट्रेडिशनल फेस्टिवल क्या होता है रिसर्च नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम स्पेशल त्रिपुरा का, त्रिपुरी ट्राइब का जो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल होता है, गरिया पूजा, केर पूजा हो, लंपरा, डिफरेंट हम पूजा किया जाते हैं यहाँ पे, अगर हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो तो खो जाएंगे ना। अगर हम गरिया पूजा सेलिब्रेट नहीं करेंगे या फिर गांव पे बहुत सारा केर पूजा है जो हमारा ट्रेडिशन पे पड़ता है, अगर हम उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो खो जाएंगे। ऐसी बहुत सारा ट्राइब है जो धीरे धीरे खोने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है हम इंडिजिनस लोग भी धीरे धीरे शायद खो जाएंगे अगर हमारे इस ट्रेडिशन को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ये मैं रिशा पहन के आज खड़ा हूँ, अगर मैं रिशा को हर जगह नहीं पहनूंगा तो ये तो धीरे धीरे खो जाएंगे ना। जस्ट सिंपल है, एक ट्राइब को एक ऊपर ले जाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उसका ट्रेडिशन को लेकर, उसका जो जो कल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर उसको रिसर्च करना चाहिए और क्या क्या कमियाँ है उन पे उसको लेकर भी डेवलप करना चाहिए। अच्छा, आज के दिन को जैसे कि वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल इंडिजिनस डे है, तो त्रिपुरा सरकार की तरफ से धूमधाम से इस दिन को मनाना चाहिए था, आपको क्या लगता है मनाना चाहिए था? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ उसको धूमधाम से ही मनाना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हो जब दुर्गा पूजा होता है हर जगह सजाया जाते हैं, क्यों हर जगह रास्ते रास्ते सजाए जाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ रास्ते सजाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर हम इंडिजिनस लोगों के लिए भी अगर धूमधाम से किया जाए, पूरा विश्व देखे, पूरा इंडिया देखे जो वाव त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग भी कितना धूमधाम खुश पे रहता है, बोलो कि भी सोचे क्या खुश है त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, क्योंकि आप देख सकते हो आज यहाँ पे इतना धूमधाम से मनाया नहीं जाता। ये तो सिविल सोसाइटी की तरफ, हाँ ये तो सिविल सोसाइटी की तरफ से मनाया जाता है, सरकार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जितना भी लोग है बहुत सारा कम है, इतना भी एकदम मतलब होशो आवाज चिल्ला के मनाया नहीं जाता, क्यों ऐसा होता है आप खुद सोचिए। अगर हम खुश है, अगर हम इंडिजिनस लोग खुश है त्रिपुरा में,
तो आज हम धूमधाम रास्ते पे मनाता ये इंडिजिनस डे। दिल पे बहुत दर्द है, हम आपको ये बोल के नहीं, आप आके देखिए कितना बड़ा दर्द है हमारे साथ। बाइबल इज़राइल बरक बरक बांगिया इज़राइलाइट्स रो जिहुदी रो बरक बरक बांगिया बरक बसंग हाय माइनॉरिटी नेने यूएनओ इस समय हमारे साथ है बोरक पीपल ह्यूमन राइट की सेक्रेटरी जनरल सर एंथोनी देवर्मा। आइए आज के दिन के बारे में सर के साथ बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सर आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, आज के दिन को देखते हुए यहाँ की जो तिपरासा लोग है, जो इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस पीपल की जो भाषा है, जो कल्चर है, ट्रेडिशन, क्या सुरक्षित आपको लगता है? नहीं, ये तो सुरक्षित नहीं, क्योंकि अगर आप लोग तो पता होगा ये इंडिजिनस डे क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, क्यों सेलिब्रेशन कर रहा है। ये बहुत साल से पहले इंडिजिनस लोगों को बहुत अंडरमाइंड किया, बहुत बेइज्जती किया, कोई रेस्पेक्ट भी नहीं दिया है। उन लोगों का जो जितना अधिकार है उसको छीन लिया है, उसका जमीन छीन लिया है, उसको कल्चर छीन लिया है, उसका भाषा छीन लिया है, उसका कल्चर छीन लिया है, सब कुछ छीन के उन लोगों को सब्जुकेट किया है। इसलिए ये इंडिजिनस डे जो यूनाइटेड नेशन में जो डिक्लेयर किया है ये सेलिब्रेशन करने के लिए, ये ऐसे सिंपल नहीं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वैल्यूबल डे है। जैसे इंडिया गवर्नमेंट बाय वर्च्यू सिग्नेटरी है ये डिक्लारेशन के लिए, इसीलिए ये जो आज का दिन है इंडिजिनस डे के लिए, इंडिजिनस पीपल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस साल का जो आज का जो थीम है इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंट मतलब इंडिजिनस लोगों के लिए उसका भाषा, जो उसका कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन है, उसका जो कस्टमर जो प्रैक्टिस है, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसका जो सिस्टम जो पॉलिसी है उन लोगों का जो डिसीजन से होना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल क्या देख रहे हैं भारत में और एंटायर वर्ल्ड में, अभी जो एक्सटर्नल इंटरनल जो फोर्स है वो आके हम लोगों को ये दबा के उसका बाद सब्जुकेट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज के दिन में हम लोग याद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट और नॉन इंडिजिनस लोगों को, क्योंकि ये हम लोग जो इंडिजिनस है हम लोग सबसे पहले सिविलाइज है, क्योंकि हम लोगों का अलग सिस्टम है, अलग भाषा है, अलग कल्चर ड्रेस है, कोई दूसरा का साथ ये नहीं मिलता है। इसलिए ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग तिपरासा लोग सब आके यहाँ में सब मिल के हम लोग का भाषा से बात करके हम लोग का कल्चर ये सब प्रैक्टिस जैसे हम लोग पहले करता था आज भी ये करके दिखाया। क्योंकि अभी जो यंगर जनरेशन है उन लोगों को ये सब देखना नहीं मिला और ये सब प्रैक्टिस करना नहीं मिला, इसलिए ये एक ये है इनिशिएटिव है, जैसे हम लोगों का कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, जैसे हम लोगों का जो खो गया उसको कैसे लेके आके फिर याद कराना है, फिर प्रमोट करना है, ये सब हम लोग इनिशिएटिव है। और आज का प्रोग्राम इसमें है, जैसे हम लोगों का जो कल्चरल जो एटियर है उसको पहन के हम लोग रैली भी करेगा, उसके बाद इंडिजिनस का जो कल्चरल प्रोग्राम है यहाँ ये भी होगा, और हम लोगों का जो खाना का जो सिस्टम है हर किस्म का ये वैराइटीज़ का जो खाना का चीज़ है ट्रेडिशन
ये सब बना के हम लोग यहाँ सब मिलकर खाएगा। ये है एक स्ट्रैटेजी जैसे हम लोग का है, जैसे कैसे ये सब कल्चर को रिवाइव करना है, सोसाइटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बिल्ड करना है, ये सब हम लोग का इनिशिएटिव है। और हम लोग का जो आइडेंटिटी है वो हम लोग किसी का लेके नहीं है, हम लोग का आइडेंटिटी वो खुद का आइडेंटिटी है। लेकिन आजकल जो दिखाई दे रहा है और जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे जैसे हम लोग का आइडेंटिटी को छीन के लेके जा रहा है और हम लोग को दूसरा आइडेंटिटी दे रहा है, जैसे ट्राइबल बोलता है और जैसे उपजाति बोलता है, ये सब तो इलीगल है, डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है, ये तो रेशियल का जो वर्ड है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं। और हम लोग आदमी है, जैसे कल्चर जैसे लॉ एंड ऑर्डर जैसे हम लोग पहले से भी है, इंडिया का नहीं था उस टाइम, लेकिन हम लोग का खुद कल्चर था, हम लोग का खुद कॉन्स्टिट्यूशन था, खुद कस्टमरी लॉ है, ये सब है। अभी भी जो लॉ इज रेस्पेक्टिंग द कस्टमरी लॉ, बट द पॉलिसी ऑल्सो हैज टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी लॉ। वही है हम लोग चाहता है, हम लोग एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं हम लोग का जीना दो, हम लोग का मर्जी से हम लोगों का लाइफ और हम लोग का कल्चर में हम लोग का लाइवलीहुड में इंटरफेयर मत कीजिए, ये है राइट हम लोग चाहता है। और हम लोग का जो ये पॉलिटिकल राइट है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग का जो जितना राइट जो अधिकार है उसको चीन के लेके गया है, हम लोग उसको फिर वापस हम लोग को देने के लिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, कोई सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वो नहीं, क्योंकि जितना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है ये सब नॉन इंडिजिनस लोगों का आदमी है, हम लोग का आदमी नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग किसी के खिलाफ में किसी के अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग खुद का जीना चाहता हूँ, खुद का डिसीजन लेना चाहता हूँ, खुद का पॉलिसी बनाना चाहता हूँ और खुद का जो लैंड टेरिटरी उसको प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ। वैसे लिए हम लोग का जो राइट छीन के लेके गया है उसको हम लोग को वापस दे दो, बस वही हम लोग का आज का दिन का जो ये है। लेकिन हम लोग जो आज का जो थीम है उसको देख के फ्यूचर में हम लोग का मूवमेंट और भी बढ़ते जाएगा, अनटिल एंड अनलेस वी गेट बैक आवर राइट्स।